सो गाइस, आज हमारे पास है एक विक्टस का गेमिंग लैपटॉप जिसमें राइजन 5000 सीरीज लगा हुआ है सीपीयू, जी फोर्स जी टी एक्स 1650 ग्राफिक्स कार्ड है एंड दिस हैज अ 144 हर्ट्स का मॉनिटर। सो ये आज हम इसको रिव्यू करेंगे। इसको 6 मंथ्स हो गए हैं ऑफिशियली मेरे पास, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एंड जो अभी तक आपने वीडियो देखे 3-4 वो इस पर रिकॉर्ड हुए हैं। सो ये लेट्स रिव्यू इट एंड आई लेट यू नो हाउ इट वर्क्स। अभी हम पूरा FPS देखेंगे जावा और बेडरॉक में कैसा आता है। सो ये लेट अस बिगिन विद द वीडियो एंड मुझे इस वीडियो को शूट करने का बहुत मेहनत लगेगा, सो प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन विद द जावा जावा एडिशन विदाउट शेडर्स FPS विद मीन्स जावा एडिशन विद द हाईएस्ट क्वालिटी विदाउट शेडर्स। सो या लेट्स सो गाइस, जावा एडिशन में आ गए एंड देख सकते हैं यहाँ पे FPS यहाँ पे अराउंड लाइक 293-300 आ जाता है एंड इट्स गुड इनफ। और अगर मैंने ये F3 बंद कर दिया तो FPS ऑफ कोर्स बढ़ जाता है एंड आप इसका भी देख सकते हो स्क्रीन स्मूथनेस एंड माउस हिलाने के बाद एंड विथ मूविंग अराउंड। सो दिस इज़ द स्मूथनेस लेवल। वीडियो भी अच्छे तरह से रिकॉर्ड हो जाता है, यू कैन सी एवरीथिंग। यप, सो दिस इज़ गुड। लेट्स चेक आउट विथ शेडर्स एंड इसके बाद फिर सर्वर पे भी जाके देखेंगे एक दो हाउ इट इज। तो गाइस, अब हम देखेंगे जावा एडिशन विथ शेडर्स हाईएस्ट ग्राफिक्स FPS देखेंगे कितना आता है। सो लेट्स गो गाइस, अभी हम शेडर्स पे आ गए हैं एंड शेडर्स पे भी स्मूथ है। इट्स लाइक अराउंड 100 to 200 FPS के बीच में रहता है कभी भी मतलब, एंड सर्वर्स में ज्यादा हो जाता है तो हम सर्वर पे भी चेक करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑन शेडर्स। तो गाइस, अब हम चेक करने वाले हैं कि पीका नेटवर्क या फिर कोई भी जावा सर्वर पे हमें कितना FPS आ जाता है इस लैपटॉप पे। लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे मैं पीका नेटवर्क पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे भाई FPS 330 उतना ही आ रहा है। आई मीन डजेंट चेंज अ लॉट राइट। 340 ओके बढ़ रहा है वैसे थोड़ा, सर्वर्स पे बढ़ जाता है यहाँ पे लाइक 232 273। आप ऊपर देख सकते हो कितना आ रहा है FPS, थोड़ा आप देख सकते हो आप एंड इट्स द सेम एज हाउ मच वी वर गेटिंग बिफोर। सो गाइस, अभी हम यही सर्वर्स पे देखेंगे कि हमें शेडर्स के साथ कितना आता है FPS। ओके, लेट्स चेक इट आउट। और अब हमने यहाँ पे BSL शेडर लगा दिया सर्वर पे, यहाँ पे फिर भी स्मूथ चल रहा है बहुत एकदम एंड FPS देखते कितना आ रहा है FPS। ओ भाई ये क्या हो गया यहाँ पे। ओके, ये अभी देखते हैं FPS। FPS आ रहे 118 119 आर मीन्स इट इज़ गुड इनफ फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस एंड योर स्टफ लाइक दैट वर्किंग गुड इनफ। वाटर क्लियर है वाटर के अंदर एंड स्टफ। यप, ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वन। यहाँ पे अच्छा खासा FPS आ रहा है। अभी हमने देख लिया जावा एडिशन के लिए, लेकिन अब हम जाएंगे बेडरॉक एडिशन एंड पॉकेट एडिशन मींस बेडरॉक प्लेयर्स एंड फोन प्लेयर्स। सो लेट्स चेक वहाँ पे हमें FPS कितना आता है विथ एनी टेक्सचर पैक एंड विदाउट एनी टेक्सचर पैक ऑन सर्वर एंड वर्ल्ड बीपी उतना ही आता है जितना सर्वर पे आता है। इट्स सेम। सो यप, लेट्स बिगिन। सो गाइस, बेडरॉक एडिशन में भी हम द हाइव में एंड यहाँ पे एवरेज FPS आप देख सकते हैं 144 आ रहा है क्योंकि 144 Hz का डिस्प्ले है। सो आई थिंक अब एंड FPS को मैंने लॉक से हटा दिया, उसके बाद 144 आ रहा है। सो आई थिंक इट्स गुड इनफ राइट। 144 इज़ गुड इनफ। यप, सो दिस इज़ फॉर बेडरॉक एडिशन शेड। लाइक अगर मैं कोई रिसोर्स पैक भी लगाता हूँ तो इतना ही आता है 144 145। वैसे आप जो ये भी क्लिप्स देख पा रहे हो जो भी आपके सामने प्ले हो रहा है, ये बेडरॉक एडिशन द हाइव का ही है एंड ये OBS के बाद भी उतना ही FPS आ जाता है 144 एंड बेडरॉक एडिशन में 144 एंड जावा एडिशन में लाइक कभी 5 या 10 FPS का फर्क पड़ जाता है। एंड आई थिंक दिस लैपटॉप इज़ वर्थ इट। मैंने अभी इसको 6 महीने हो गए एंड आई थिंक 6 महीने में बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक ये एंड एडिटिंग भी मैं इससे कर रहा हूँ, सो एडिटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बहुत सही एडिटिंग स्मूथ चल रहा है। सो ये दिस लैपटॉप इज़ गुड। वैसे स्पेक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड लिंक भी दे दूंगा ऑफ एन अमेजोन। सो ये थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।